हाँ गाइस, हम आ चुके हैं दोबारा से माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज को लेकर, क्योंकि भाई माइनक्राफ्ट की सीरीज हमने छोड़ दी थी बीच में, लेकिन हम फिर से ज्वाइन करने वाले हैं, वो भी अपने ओगी एंड जैक के साथ सर्वाइवल की एंडिंग तक। हमारे साथ जोगी ओगी जोगी नहीं ओगी एंड जैक भाई रहेंगे एंड फर्स्ट पर्सन में आ गए। एंड अपने भुक्कड़ का खाना उठा लेता हूँ एंड भाई अपने ओगी एंड जैक भाई से इंट्रोडक्शन भी करा देते हैं। ए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ओए मुन्ना, इसमें पूछना क्या है, सब लोग तो अच्छे होंगे। बस यार, तू तो लाइक और सब्सक्राइब के लिए बोल तो। देखो दोस्तों, अपने बीके भाई का चैनल सब्सक्राइब कर डालो, सब्सक्राइब के बटन को तोड़ डालो, फोड़ डालो, नींबू की तरह निचोड़ डालो। ई मुझको जो तुमसे भूल ही गई, मैं भी आया हूँ। अरे मेरा नाम तो सिंचन है, ये मेरी उम्र पातल है, मुझे चूका चिप्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ओए मुन्ना, अब तो अपने साथ सिंचन और तू भी है, तो वही वीडियो में मजा आ जाएगा। ए जैक भैया, इसी बात पे ए दोस्तों, ए तुम सब लोग लाइक कर दो। अरे यार, आज तो मैं आया हूँ वीडियो में, आज तो भाई पक्का लाइक तो बरसात हो जाएगी, बरसात, क्योंकि भाई मुझे जो कुछ खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अरे भाई, अब तो खेलने दो यार, बहुत ज़्यादा बकवास हो गई। एंड भाई, अबे भाई भाई भाई, भाई ये देखो बेडरॉक बेडरॉक। ए भाई भाई भाई, बेड भाई डायमंड के चक्कर में बेडरॉक तक पहुँच गई लेकिन डायमंड नहीं मिला। एंड अब मैं पहले माइन से बाहर निकलता हूँ यार। ई दोस्तों, एंड यार ऑगी सुन यार, तुम ही बोलो यार, मैं क्या बोलूँ, हम डायमंड माइन करने जाएंगे क्योंकि मैं 5 साल का बच्चा हूँ और मुझे आयरन की छूट भी मिल गई, क्योंकि अब मॉन्स्टर को हम बहुत अच्छी तरीके से मारेंगे। बस अब हमको एक आयरन की पिकैक्स भी चाहिए। जैक भैया, जिक भैया, अपनी ये वाला किचन तो दिखाया ही नहीं ही। तो दोस्तों, हम ये किचन बनाया है ही, जिसमें हम ये वह सारा काम करते हैं, ये पकाने का काम हम यहाँ करते हैं, अपने अपना ये खाना पकाते हैं। ए दोस्तों, तो अब हमको लगता है कि माइनिंग के लिए हमको चलना चाहिए, और हमने पिकैक्स भी बना ली है और स्वॉर्ड तो हमारे पास पहले से ही थी। अब हमें कुछ भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि भाई हमारे पास पिकैक्स और स्वॉर्ड भी है। तो चलो यार, और सिंचन तुम कुछ कह नहीं बोल रहे, तुम भी कुछ बोलो। अरे यार, तुम सब तो टॉर्च चलाना भूल ही गए, अब मुझे कोई टॉर्च चलाना पड़ेगा। मैं जल्दी से घर पे जाके, मेरे घर पे 13 टॉर्च पड़ी हैं, मैं वो लेके आता हूँ। अगर टॉर्च नहीं हुई तो फिर मैं क्या करता हूँ। अरे भाई भाई भाई, मुझे एक माइन और मिली है, मैं उस माइन में जाके माइनिंग करूँगा और उस माइन में पक्का डायमंड मिलेंगे। अरे यार, मैं तो टॉर्च के लिए आया था और टॉर्च तो भूल ही गया। अब मुझे लगता है वो सामने वाली माइन में जाना चाहिए। मैं बहुत लालची हूँ, मैं कोई भी माइन देखता हूँ उस पर चला जाता हूँ। और मेरे पेट भी खाली हो चुका है, तब मैंने ये चोको बीफ खा लिए, चोको चिप्स तो नहीं मिले, मैंने चोको बीफ भी खा लिए। और मेरी टॉर्च इस वाली चेस्ट में पड़ी थी, तो देखो मुझे 13 टॉर्च मिल गई। अरे मेरी चेस्ट बंद क्यों कर दी। अब मैं चलता हूँ सामने वाली गेम में, मैं सोच रहा हूँ वैलेंटाइन डे भी ले लें, लेकिन कोई बात नहीं, अपनी टॉर्च से ही काम चला लेंगे। ए मुन्ना, ये सेंटर तो सही कह रहा है, सामने वाली केव में हमें बहुत सारा डायमंड मिल सकता है और आयरन गोल्ड सब कुछ मिलेगा, क्योंकि वो केव देखने में मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। ए जय भैया, मैं भी आ रहा हूँ भेड़ को मार के, क्योंकि भेड़ से हमको खाना मिलेगा। ए, और मैं भी आपकी तरफ आ रहा हूँ ए माइनिंग करने के लिए। ए, और वही मैं पहुँच चुका हूँ। ए ए, और मुझे तो ये सामने यहाँ पे कोल दिख रहा है। ए, मैंने तो कहा ही था कि यहाँ पे खूब सारे डायमंड मिलेगा। देखो हमें बाहर अंदर जाते ही कोल मिल गया, और अंदर जब पूरा पहुँच जाएंगे तो देखो हमें कितना सारा डायमंड मिलेगा। ई जैक भैया, जैक भैया, मुझे लगता है हमको थोड़ी माइनिंग कर लेनी चाहिए। अगर हम अपने सब्सक्राइबर को वीडियो दिखाएंगे माइनिंग वाली तो वो बोर हो जाएंगे। ए जैक भैया, जैक भैया, सही कहा ना मैंने, जैक भैया। ए मुन्ना, बात तूने बिल्कुल पते की है, तो मुझे लगता है क्यों ना वीडियो को ट्रिम कर दिया जाए, और जब तक हम माइनिंग कर लेते हैं और डायमंड जब मिलेगा और तो हम वीडियो को स्टार्ट कर देंगे। ए दोस्तों, हम बहुत देर से माइनिंग कर रहे हैं और हमें लैपिस लाजूली तो मिल गया और हमें रेड स्टोन और बहुत सारा सामान मिल चुका है, लेकिन अभी तक हमें डायमंड का नाम और निशान नहीं मिला है। ये सिंचन हमसे कह रहा था कि यहाँ पे बहुत सारा डायमंड मिलेगा। मुझे लगता है सिंचन से हमको पूछ लेना चाहिए कि डायमंड कहाँ मिलेगा। ओए सिंचन, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? अरे नोबड़ो, तुमको इतना ही नहीं पता कि माइनक्राफ्ट डायमंड 12वें नंबर के ब्लॉक में मिलता है, और अभी तो हम 17 पे हैं और तो 12वें पहुँचेंगे। उसके बाद माइनिंग स्ट्रिक्ट माइनिंग करनी पड़ेगी हमको, फिर हमको कहीं जाके डायमंड मिलेगा। तुमको इतना ही नहीं पता, तुम माइनक्राफ्ट खेलने आए हो। ए जैक भैया,
जैक भैया ये तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है जैक भैया, अब बता हम क्या करें। ओए मुन्ना तू टेंशन ना ले, हम हैं तो हम देखा 12वें ब्लॉक पे, अभी हम तो 11वें पे आ गए, हमें लगता है हमें स्टिक माइनिंग करना चाहिए, लेकिन हमें अभी बेड रॉक भी तो नहीं मिला, मुझे लगता है बेड रॉक भी आ जाएगा उसके बाद हम स्टिक माइनिंग करेंगे। लेकिन मुझे अभी रेड स्टोन आ गया, ए जैक भैया रेड स्टोन को तोड़ लो जितना रेड स्टोन मिलता है, रेड स्टोन बहुत ज़्यादा काम आता है जैक भैया, और मुझे लगता है अब हम स्टिक माइनिंग करना स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन एक बार बेड रॉक दिख जाए उसके बाद हम स्टिक माइनिंग कर लेंगे। ए जैक भैया अब तो हमें बेड रॉक भी दिख गया है, अब यहाँ पर रेड स्टोन है उसको तोड़ने के बाद ए जैक भैया ए हम स्टिक माइनिंग करना स्टार्ट कर देंगे ए जैक भैया, और हमारी पिकैक्स भी टूटने वाली है उसको भी हम बना लेंगे जैक भैया, हमें लगता है अब हमें स्टिक माइनिंग करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए जैक भैया। हम यहाँ पे मैं करूँगा माइनिंग, और ये रेड स्टोन इसको भी मैं तोड़ लेता हूँ क्योंकि मैं 5 साल का बच्चा हूँ। ये मैं क्यों हंस रहा हूँ मुझे नहीं पता, और अभी लाइट जल रही थी अब क्यों नहीं जल रही, अच्छा हाँ रेड स्टोन को तोड़ने पर लाइट जलती है, एंड मैं यहाँ पे टॉर्च लगा देता हूँ, अभी मैंने गलत टॉर्च लगा दी, यहाँ पे टॉर्च लगाऊंगा तो फिर मैं तोड़ूंगा कैसे, तो मैं स्टिक माइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ, मैं खूब सारी स्टिक माइनिंग करूँगा, स्टिक माइनिंग कर करके मैं पिकअप को तोड़ दूँगा फोड़ दूँगा। मैं जैक भैया का डायलॉग क्यों बोल रहा हूँ, ए अब मुन्ना अब मैं क्या कहूँ तुम्हें बोलो, मैं तो 5 साल का बच्चा हूँ मैं ज़्यादा नहीं बोल पाता हूँ। ए जैक भैया मैं इतनी देर से माइनिंग कर रहा हूँ जैक भैया, लेकिन मुझे डायमंड नहीं मिला जैक भैया, बस ये रेड स्टोन मिला जा रहा है जैक भैया, ए अब रेड स्टोन को भी ले लेता हूँ ये काम आता है बहुत ही जैक भैया, और ये जैक भैया यहाँ पे तो सोना भी है जैक भैया, मुझे सोना मिला जैक भैया, लेकिन सोना इतना अच्छा नहीं रहता जैक भैया, जितना अच्छा डायमंड होता है जैक भैया, चलो कोई बात नहीं हम इसको भी रख लेते हैं जैक भैया, सोना तो मिला डायमंड तो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अरे सोना हम छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं, पूरा सोना लेके जाएंगे। ओए मुन्ना आप लोग तीर से स्टिक माइनिंग कर रहे हैं, अभी तक डायमंड का नाम निशान नहीं मिला, ये सिंचन ने अपने से झूठ बोला, मुझे लगता है हमें इसको तोड़ना चाहिए क्योंकि स्टिक माइनिंग इतनी देखो हमने इतनी कर ली है, इस बात पे लाइक कर दो, मुझे लगता है हम सिंचन को तोड़ना चाहिए क्योंकि अभी तक हमें डायमंड नहीं मिला, सिंचन तू बता डायमंड क्या बनना, मैं तेरे तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। ए जैक भैया आप सही कह रहे हो, सिंचन ने हमें धोखा दिया है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ए जैक भैया तो गाइस यार कैसी लगी है वीडियो, भाई पहली बार फर्स्ट टाइम में मैंने की है यार, बुरी होगी लेकिन यार आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को पसंद करो यार, करना पड़ेगा गाइस एंड यार यार वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये बताना फ्री फायर की वीडियो ना माइनक्राफ्ट की, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।